हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं गोवा में हूँ और अभी मुझे जाना है कैंडोलिम बीच। सो जाने के लिए मैंने बाइक बुक की है और ये सुबह से ऑफ थी, अभी आ गया, ऑन हो गई। अभी सुबह ही है। सो अभी सुबह के 11 बजे हैं, तो अभी एक दो बीच होकर आते हैं। तो अभी मैंने एक्टिवा बुक किया जैसे कि बताया। सो अभी बताना, आप लेने गए थे ना एक्टिवा, कितने में बड़ी, कितने पैसे दिए एक्टिवा वालों को और क्या क्या रहा? मैंने गूगल से नंबर फाइंड आउट किए और मैं फिर हम बात की दो तीन लोगों से, तो एक तो चला गया था सुपर बाइक वालों के पास फोन, बोलते सर हमारे पास हार्ले डेविडसन है, BMW है। मैं कह नहीं गई, इतनी बड़ी नहीं चाहिए हमें। फिर मैंने किसी एक दूसरे बंदे से बात की और वो कैंडोलिम के अंदर ही था, उसने 600 रुपीज़ फॉर 2 डेज एक्टिवा दी है। ठीक है, हेलमेट साथ में, आप आराम से जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अभी ना मैं कैंडोलिम बीच पे हूँ, आप देख सकते हैं पीछे से व्यू और पानी का यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर है, तो मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ जितना तेज बोल पाऊँ। रश अभी बहुत ज़्यादा नहीं है और जो वोटर एक्टिविटीज है वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ आई हूँ, तो बोल रहे हैं आफ्टर 15th of September से वोटर एक्टिविटीज जो है स्टार्ट होंगी यहाँ पे। यहाँ पे ना 3 साल पहले सनबर्न भी होता था, लेकिन अभी 3 साल से वो कहीं और हो रहा है, किसी और लोकेशन पे। अभी 2 साल से तो आई थिंक हो ही नहीं रहा है कोविड की वजह से। तो बाकी बीच काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। ज़्यादा आगे नहीं, ये देखिए पानी की लहरें। ये ना यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना वो आगे जाने को मना करते हैं, मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे मना कर दिया कि मत जाइए, पानी आ रहा है वहाँ पे, तो ये जो ये लहरें हैं ना ले जाती हैं साथ में बहा के, तो फिर मैं भी पीछे आ गई हूँ। कलंगुट बीच है यहाँ पे नियर बाय, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं आपको मिलती हूँ कलंगुट बीच पे। इसमें दर्द
तो मैं इधर सलोम स्ट्रीट पे हूँ और यहाँ का ये जो बिल्कुल जो कलंगूट बीच है पीछे, इसके बिल्कुल सामने है, यहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ वड़ा पाव। हाँ, एक कप चाय भी डाल लेकिन अदरक वाली तो चाय तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती, कहीं भी मुझे मिल जाए। हाँ, अभी मास्क मैं हटा देती हूँ। ये है बड़ा पाव। चाय कहाँ पे है भैया? चाय अभी बन रही है। कहाँ बन रही है? सो चाय यहाँ पे बन रही है, अदरक वाली चाय। कैसा है ये? तो मुझे भी अच्छा लगता है वैसे, चंडीगढ़ में जो मिलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं पहली बार खा रही हूँ महाराष्ट्र का, तो गोवा का सॉरी महाराष्ट्र का तो बहुत तगड़ा है वो गार्डन वड़ा पाव। महाराष्ट्र का इससे अच्छा होता है और क्या? ओके, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने एक बार चंडीगढ़ में खाया था मोहाली में, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उनकी चटनी ज़्यादा अच्छी होती है पता है क्या महाराष्ट्र में, बट मुझे यहाँ ना गोवा में नॉर्थ इंडियन जो फूड है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ के परांठे में मज़ा ही नहीं आता जो चंडीगढ़ वालों में आता है। चाय भी मेरी बन चुकी है। ये यहाँ पे बीच के पास ही मार्केट है और यहाँ देखिए यहाँ भी बहुत सारे ड्रीम कैचर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये यहाँ पे की चेन्स वगैरह हैं। लेना तुम्हें कुछ? काफी सारी चीजें यहाँ पे तो बीच के पास ही ना ये मूंगफली वाले अम्मा भी बैठते हैं। ये बॉयल्ड पीनट्स हैं, मैंने भी टेस्ट किया, काफ़ी अच्छे हैं। तो जब भी आप इस बीच पे आते हैं ना कलंगूट बीच पे, तो यहाँ से मूंगफली लेना भी ना भूलें। मुझे भी खिला दो। हर जगह आई लव गोवा है यहाँ पे। लव ही लव करो गोवा के साथ। यहाँ पे थोड़ा रश है, कैंडोलम बीच पे इतना रश नहीं था, बट यहाँ पे तो काफी लोग आ रखे हैं। इसको भी दो, इस वाले को। सो ये देखिए कौवे जो हैं मूंगफली का आनंद उठाते हुए। दो भाई, सबको दो, सबको मिलेगा। हेलो गाइस, हम लोग हैं कलंगूट बीच पे, जो आपको पड़ेगा कैंडोलम से 4 से 5 किलोमीटर दूर। और ये देखो लहरें, वाओ। भाग क्यों रही है? आया भी नहीं यहाँ तक देख। और आप देख सकते हो जहाँ दूर तक आपकी नज़रें जाती हैं समुद्री समुंदर। पानी इतना साफ नहीं है यहाँ का, बट फिर भी लॉकडाउन के बाद काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि असर पड़ा है। पहले गंदगी ज़्यादा होती थी बीच के ऊपर, अभी नहीं है इतनी। यहाँ पे काफ़ी कुछ सही लग रहा है और बहुत सारे लोगों की चप्पलें बह के जा रही हैं पानी के अंदर और वापस भी आ जा रही है। वो देखो वहाँ पे वापस आ गई। गुड। तो कैसा लग रहा है आपको?
बढ़िया मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। जगा देगा तो मेरा दिल तोड़ दिया लहरों ने। जो वेदर है वो भी काफी औसम है, अभी तो धूप बिल्कुल भी नहीं है आज। सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल। यस, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सामने दिख रहा है ना लव गोवा, वहाँ पे लव गोवा ओलंपिक्स क्लिक करनी है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये है, धूप ज़्यादा है तो आप यहाँ जाके बैठ सकते हैं। वो देखिए दूर तक है, काफ़ी दूर तक है ये बीच। तो अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।